आज हम जानने वाले हैं जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, वो किस तरह से मूव करती हैं। इनका एक सिंपल मैकेनिज्म होता है जिनको बोला जाता है मरीन प्रपल्शन। अब इनका काम क्या होता है, ये थ्रस्ट जनरेट करता है जिसके कारण क्या होता है, पानी में जितने भी शिप्स और बोट होती है वो मूव करती है इजी। लेकिन इनके अलावा दूसरे तरीके से भी हम थ्रस्ट जनरेट करवा सकते हैं, जैसे कि हो गया सेल जो कि हवा के डायरेक्शन से मूव करवाता है बोट को, और दूसरा तरीका यह है कि हम पैडल के थ्रू बोट को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। और इस समय जितने भी मॉडर्न शिप्स है उसको प्रोपेल्ड करने के लिए यूज करा जाता है इंजन का, और इंजन के साथ जुड़ा होता है प्रोपेलर। और यहाँ पर मैंने प्रोपेल्ड शब्द का यूज करा हुआ है। प्रोपेल्ड शब्द का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में वस्तु को मूव कराना या फिर पुश करना, प्रोपेल्ड कहलाता है। और प्रोपेलर भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कंट्रोल पिच प्रोपेलर और दूसरा होता है फिक्स पिच प्रोपेलर। और कंट्रोल पिच प्रोपेलर को हम मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल होते हैं, और जो फिक्स पिच प्रोपेलर होता है इसको मूवेबल करना मुश्किल होता है। इनकी वर्किंग के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मरीन प्रोपल्शन क्या होते हैं। और पंप जेट का भी यूज करा जाता है बोट को मूव करवाने के लिए, और इस पंप जेट का काम भी होता है सिंपल मोटर की तरह। एक तरफ से क्या करता है, ये मोटर को सक करता है यानी पानी खींचता है, दूसरी तरफ से बाहरी को बाहर फेंकता है। और इसमें जो पंप होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा होता है एक्सियल फ्लो पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो हाई स्पीड्स के लिए यूज करा जाता है, और एक्सियल फ्लो पंप होता है वो लो से लेके मीडियम स्पीड के लिए यूज करा जाता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।